चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं HTML के अंतर्गत फ्रेम। फ्रेम होता क्या है तो आप समझ लीजिए। पहले जैसे मान लीजिए एक वेब पेज की विंडो है, तो एक वेब पेज की विंडो में सिर्फ एक वेब पेज शो होगा, परंतु हम चाहते हैं कि एक वेब पेज आपका शो हो जाए इतनी जगह में और एक वेब पेज शो हो जाए आपका इतनी जगह में और बाकी जो एक वेब पेज है वो आपका इतनी जगह में शो हो जाए। या फिर आप इस प्रकार की कंडीशन भी चाहते हो कि आप एक वेब पे एक विंडो ही है, आप एक वेब पेज यहाँ शो कराना चाहते हैं, एक वेब पेज बड़ी बड़ी विंडो में और एक वेब पेज बाकी बची विंडो में। तो आपको पता होगा हमारी टोटल जो एरिया होता है वो 100% होता है, 100% होता है, ये आपको पता होगा। तो 100% में से आप तीन बांटना चाहते तो आप अपनी इच्छा अनुसार बांट सकते हैं, या तो 20% बांट सकते हैं, 20, 50 और उसके बाद आप 30 बांट सकते हैं, तो ये टोटल 100 होना चाहिए। या फिर आप 10 कर सकते हैं कॉमा लगाए, तो आप इसको 60 कर सकते हैं और इसको 30 कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 100 होना चाहिए और प्रतिशत में। तो आप इस प्रकार अगर डिवाइड करना चाहते हैं विंडो को, तो ये रो और कॉलम दोनों हो सकता है, रो और कॉलम। तो ये किस प्रकार है, ये रो में है और ये कॉलम में है। तो आप इस प्रकार अगर विंडो को डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि एक विंडो में एक से अधिक वेब पेज को शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम HTML में फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। परंतु आगे जो HTML आया, HTML5 हो सकता है, यहाँ पे फ्रेम को यहाँ सपोर्ट नहीं करता। तो वहाँ पे देखिए, अगर सपोर्ट नहीं करता तो एक नो फ्रेम करके एक टैग होता है, वो रन होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत डिटेल हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम करने वाले हैं HTML फ्रेम को हल, तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। यहाँ देखिए, एक से ज़्यादा HTML डॉक्यूमेंट को एक ही वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है और HTML 5 से इसको हटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर, और इसके बदले में यहाँ पर नो फ्रेम जो टैग है वो इस्तेमाल होता है। पर हम इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हो सकता है ये जो है हमारे काम आ जाए। तो देखिए, फ्रेम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, तो देखिए दुनिया में अब जो है बहुत सारी जो वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है उसका निर्माण होने के कारण फ्रेम का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता है, जैसे कि PHP है, ASP है, CSS है, और फ्रेम को HTML 5 से हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए किस प्रकार इसको लिखा जाता है, सिंटैक्स हेड के बाद, मतलब यहाँ पर आपको बॉडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों बॉडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस URL को हम दे रहे हैं, URL किसका दे रहे हैं, URL दे रहे हैं वेब पेज का। आप वेब पेज का URL दे रहे हैं तो उसमें सेपरेटली हर एक में आपको बॉडी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे हेड के जस्ट बाद फ्रेम सेट देते हैं और फ्रेम सेट में आप दे देते हैं रो देना है, रो के बाद हम परसेंटेज डिवाइड कर देते हैं और फ्रेम SRC हम देते हैं और बाद में हम फ्रेम सेट को क्लोज कर देते हैं और हेड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक विंडो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। मान लीजिए हमने दो तीन वेब पेज बनाए, एक लेफ्ट वाला बनाया और एक सेंटर वाला बनाया और एक राइट वाला बनाया, तो हम कॉलम में शो करेंगे, किस में, कॉल्स में। कॉलम को कॉल्स लिखा जाता है शॉर्ट में। तो देखिए इस प्रकार हमने वेब पेज बनाया और वेब पेज आपके एक ही जगह सेव होनी चाहिए, मतलब जहां आप फ्रेम को सेव कर रहे हैं, फ्रेम नाम का जो HTML सेव कर रहा है, उसी जगह आपके ये तीनों वेब पेज सेव होने चाहिए। जैसे कि हमारे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया HTML, उसके अंदर ही हम सारे वेब पेज को सेव कर रहे हैं, तो हम फ्रेम नाम का जो फ्रेम जो बना रहा है उसको भी वहीं सेव करेंगे और जो बाकी वेब पेज जिससे लिंक हो रहा है वो भी हम वहीं सेव करेंगे। तो हमारे ऑलरेडी तीन वेब पेज बने मिल जाएंगे, क्योंकि हम इसके पहले बहुत सारे वेब पेज बना चुके हैं। तो उन वेब पेज के लिंक आपके पास, अगर वेब पेज के लिस्ट नहीं है, बने नहीं है, तो आप तीन वेब पेज पहले बनाइए, इस प्रकार आप बना सकते हैं इनको। और उसके बाद अब जो है बॉडी, मतलब जो दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना, उसमें हम हेड के बाद क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट, कॉलम में शो करना है, क्योंकि देखिए लेफ्ट सेंटर और राइट है। तो देखिए 500 ये जो पिक्सल की संख्या दे दी गई है, परंतु हम इस प्रकार ना दें तो हम जो है इसको परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं, 50%, ठीक है, 30% और 10%, इस प्रकार हम दे सकते हैं 20%। बॉर्डर देना बॉर्डर भी दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम नाम हम दे सकते हैं, SRC नेम इसका एट्रीब्यूट है, SRC भी इसका एट्रीब्यूट है, और लेफ्ट दे दी हमने पहले में, उसके बाद हम सेंटर नाम दे दिए तो इसका जो दे दी हमने सेंटर, और राइट में हमने SRC में राइट दे दिए, तो इस प्रकार हम इसमें काम कर सकते हैं। तो चार बनाएंगे, चार को भी हम दे सकते हैं। चलिए हम जो है इसको हल करके देखते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है। हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार, और नया बनाते हैं। नया बनाने के बाद इसको जो हम सेव कर लेते हैं, और सेव करके हम जो है इसको frame1 .html यहाँ पर देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं क्या, डॉक टाइप आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार HTML आपको देना ज़रूरी होता है, और नीचे आप HTML क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। फिर आप देते हैं हेड, और हेड में आप दे देते हो टाइटल, पहले आप हेड को क्लोज कर दीजिए यहाँ पे टाइटल, और टाइटल को देने के बाद यहाँ पे फ्रेम टैग कर देते हैं, ठीक है, ये टाइटल को क्लोज कर दिया। अब हेड के जस्ट बाद आएंगे हम, तो फ्रेम सेट जो है टैग उसको शुरू कर लेंगे, फ्रेम सेट, और यहाँ पे आप दे देते हैं
चलिए कॉल्स में दे देते हैं, कॉलम मतलब जो खड़े में शो होगा, ठीक है। तो कॉल्स में हम दे देते हैं 100% विंडो होती है, तो डबल कोट के अंदर हम दे देते हैं, पहले को दे देते हैं 30% कॉमा लगाए, दूसरे को दे देते हैं 50%, ठीक है। और यहाँ भी हम जो है कॉमा लगाते हैं, बाकी बचा कितना 20%, तो 20% दे देते हैं बाकी को। मतलब तीन URL हमको देना है, पहला 30% में शो होगा, दूसरा 50% में शो होगा और तीसरा 20% में शो होगा। तो यहाँ फ्रेम सेट को पहले क्लोज कर दीजिए इस प्रकार, ठीक है। अब बीच में क्या आता है, फ्रेम आता है, SRC दे देते हैं। SRC क्यों देते हैं, हमने बहुत सारे बनाए हैं वेब पेज, तो लेफ्ट में हम दे देते हैं, जैसे हम कोई भी लिंक वाला उपयोग किए हैं, ठीक है, link.html हम दे देते हैं, ठीक। और यहाँ पे इसका नेम भी हम दे देते हैं, क्या नाम से है ये, लिंक के नाम से है, ठीक है, लिंक पेज, इस प्रकार हम दे सकते हैं नेम में। और इसको जो है हम नेक्स्ट कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ पे नाम हटा देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा फ्रेम दे देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो है इसको किस प्रकार हम उसको क्लोज कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि ये फ्रेम जो है यहीं पे क्लोज हो जाता है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये वाला, ठीक। उसके बाद हम नेम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं लिंक पेज, और उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। अगर बंद करना तो बंद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फ्रेम के बाद फिर SRC देते हैं, और लिंक के बाद हम दे देते हैं टेबल, टेबल शो होना चाहिए, .html लगाना ज़रूरी है, पेज का नाम है, और यहाँ दे देते हैं टेबल पेज, इसको बिना स्पेस के लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर तीसरा तीसरा हम ले रहे थे, ये तीसरा हमारा ऑलरेडी है, ठीक है, SRC। और तीसरे में हम क्या दे देना चाहते हैं, हमने मार्क्यू नाम का जो बना एक पेज, मार्क्यू.html वो दे देते हैं, नेम में हम दे देते हैं मार्क्यू पेज, और इसको जो है बाहर लाकर क्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फ्रेम सेट लिए, कॉलम में डिवाइड करना है, तीन पेज में डिवाइड कर लिए, तीन विंडो डिवाइड हो जाना चाहिए एक पेज में। और इसके बाद हम देखिए यहाँ 30% में दिखाना चाहते हैं, दूसरा 50% में, तीसरा 20% में, पहले में कौन सा देखेगा लिंक वाला, दूसरे में 50% में टेबल वाला, तीसरे में 20%। तो इसको हम जो है फ्रेम वन के नाम से सेव किए हैं, हमारे उसमें चले जाते हैं हम किस में, जो हमारा HTML जो फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप पर उस पर। तो हम देखिए यहाँ पर फ्रेम वन को ओपन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ देखिए पहला वाला जो है 30% में शो हुआ, दूसरा वाला जो है हमारा देखिए यहाँ पे 50% में, और ये वाला हमारा जो है किस में हुआ 20% में। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा में शो हो लास्ट वाला, तो हम इसको जो है बीच वाले कितना कर देते हैं 20% कर देते हैं, चलिए इसको 20 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 50। अब हो गए, अब देखिए यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, अब देखिए 20% में शो हुआ, ये 20% दो में हो गया, चलिए यहाँ 20% कर देते हैं, ये देखिए अब ठीक है, मतलब पहला वाला 30 में, दूसरा 20 में, और ये 50 में। तो इस प्रकार अगर हम चाहते हैं ये रो में हो, तो रो कॉलम की जगह क्या कर देते हैं, रोज कर देते हैं, जैसे ही कॉलम की जगह रोज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ऊपर वाला जो है 30% में, बीच वाला 20 में, और नीचे वाला 50% में। तो इस प्रकार भी आप जो है इसको शो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फ्रेम टैग। अब ये जो link.html है, ये पेज पहले से बना होना चाहिए और उसी फोल्डर में सेव होना चाहिए जिस फोल्डर में ये पेज सेव हो रहा है। दूसरा टेबल भी आपका बना होना चाहिए और मार्क्यू भी आपका बना होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी पहले से बनी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगा, नहीं तो यहाँ पे पेज आपका डिस्प्ले नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये देखिए हमने चार अगर विंडो शो कराना, चार हमने बना दिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और सेंटर, इस प्रकार हम देख सकते हैं, ठीक है। रो एट्रीब्यूट, हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट जो है यहाँ देख सकते हैं, पिक्सल में दे सकते हैं, और स्टार यहाँ देखिए सिंबल को देने पर ब्राउज़र द्वारा साइज को ऑटोमेटिकली दिया जाता है। और परसेंटेज के लिए हम देखें, यहाँ देखिए 20% या फिर 1300 पिक्सल हम दे सकते हैं। पिक्सल में हम देखिए इस प्रकार दे सकते हैं नंबर्स, जो हमारी वैल्यू देना है जिस प्रकार हमने देखे हैं। तो यहाँ देखिए 200 ये जो आ गया है वैल्यू देने में, मतलब पिक्सल में, और प्रतिशत में आ गया, और स्टार में ऑटोमेटिकली ले लेगा इनका बचा वाला, ठीक है। तो लेफ्ट हमने नाम लिए यहाँ पर, SRC हमने left.html दे दिए, सेंटर में center.html, ये बने हैं पेज पहले से, इसलिए यहाँ
हमारे पास ये बने होने चाहिए, हमारे पास दो जो बने हैं उनको हमको देना है, इनका नाम यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना, बस URL आपको ध्यान में रखना है कि सोर्स क्या देना है फ्रेम सेट के अंदर, जो ब्राउजर मतलब जो पेज हमको शो कराना है। उसके बाद कॉलम के एट्रीब्यूट में भी हम पिक्सल दे सकते हैं जैसे रो में दी हैं, प्रतिशत दे सकते हैं और स्टार, स्टार ऑटोमेटिकली ले लेगा, परसेंटेज अपन ने दी है वो लेगा और पिक्सल हम अपनी इच्छानुसार दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ये जो है कॉलम में शो हुआ और ये तीसरा वाला ऑटोमेटिक ले लेगा। तो ये तो हुआ हमारा फ्रेम, छोटा लेक्चर था हालांकि काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो आप इसको जो है इस्तेमाल करके देख सकते हैं और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।